तो बॉलीवुड फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो इस टाइम अपने थर्ड वीक में चल रही है, यानी कि आज फिल्म का डे 19 है और फिल्म के 18 डेज के कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं। लेकिन 18वें दिन के कलेक्शन की बात करने से पहले फिल्म के जो भी अभी तक के प्रीवियस कलेक्शन आए हैं इंडिया के, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो फिल्म ने इंडिया में पहले अपने 14 दिन यानी दो हफ्तों में जो टोटल कलेक्शन किया था वो था 134 करोड़ 3 लाख रुपए का, 134 करोड़ 3 लाख रुपीज का, जिसमें से फर्स्ट वीक में जो कलेक्शन था पहले 7 दिन में वो था 71 करोड़ 26 लाख रुपीज का, और सेकेंड वीक में जो कलेक्शन था वो था 62 करोड़ 77 लाख रुपीस का। अब आ जाते हैं थर्ड वीक, यानी बात करते हैं डे 15 से थर्ड फ्राइडे से। तो फिल्म ने डे 15 को जो कलेक्शन किया था वो था 4 करोड़ 40 लाख रुपए का, 4 करोड़ 40 लाख का। डे 16 पर जो कलेक्शन किया था वो था 9 करोड़ 75 लाख रुपए का, 9 करोड़ 75 लाख रुपीस का। और डे 17 पर जो कलेक्शन किया था वो था 9 करोड़ 20 लाख रुपीस का, 9 करोड़ 20 लाख रुपए का। यानी कि फिल्म का इंडिया का जो 17 डेज का टोटल जो नेट कलेक्शन था वो था 157 करोड़ 38 लाख रुपीस का। अब आ जाते हैं डे 18 यानी थर्ड मंडे। तो फिल्म ने डे 18 को जो कलेक्शन किया है इंडिया में वो है 3 करोड़ 40 लाख रुपए का, 3 करोड़ 40 लाख रुपीस का। यानी कि फिल्म का 18 दिन का इंडिया का टोटल जो नेट कलेक्शन हो जाता है वो है 160 करोड़ 78 लाख रुपीस का, यानी 160 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 160 करोड़ 78 लाख की कलेक्शन कर ली है फिल्म ने अपने 18 दिनों में। फिल्म का जो बजट है वो है 42 करोड़ रुपीस का, और फिल्म फाइनली जो इसकी वर्डिक्ट है सारी वर्डिक्ट क्रॉस कर ली है। फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है, जो फिल्म को टाइटल मिल चुका है, वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।